बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। चले जी, अब तक आपने मेरी कुकिंग रेसिपीज़ देखी हैं और पसंद भी की हैं, तो आज मैं आप लोगों से ब्यूटी टिप शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ और साथ साथ होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। मास्क बना रहे हैं जो सूरज में निकलते हैं बाज़ लोग, तो फेस पर टैनिंग हो जाती है, टू टोन हो जाती है, क्लॉस आ जाती है, तो उस सब को ये ख़त्म करेगा। और जो छोटे मोटे दाग धब्बे हो जाते हैं या जी दाने हो जाते हैं, तो उसको भी रिमूव करेगा। अच्छा, इसमें जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अगर जैसे बाज़ लोगों को दही से एलर्जी होती है, बाज़ को नींबू से एलर्जी हो, जैसे कि जैसे फेस पे पिंपल निकल आए या कुछ और इशू हो गया, तो आप उस चीज़ को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है? वो आप मत डालिएगा। ये जो मैं एक नॉर्मल बता रही हूँ, नॉर्मल स्किन के लिए बता रही हूँ। अच्छा, इसमें मैंने एक ये नारियल का तेल भी ऐड किया है, ठीक है? वो उन लोगों के लिए जिनकी नॉर्मल स्किन हो या ड्राई स्किन हो, वो जो है नॉर्मल नारियल का तेल यूज़ करेंगे, और जिनकी ऑयली स्किन है वो नारियल का तेल यूज़ नहीं करेंगे। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले ये है एक चम्मच चावल का आटा। ये मैंने इसलिए सारे चम्मच में लिया है ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये टी स्पून है, तो एक टी स्पून हमने क्या लिया, चावल का आटा, ठीक है? उसमें हमने डाला एक चम्मच बेसन। बेसन बहुत अच्छा होता है फेस के लिए, बाज़ लोग तो बेसन से मुंह वॉश करते हैं और वो बहुत अच्छा होता है। एक टीस्पून हमने इसमें दही ऐड कर दी, ठीक है? दही ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे शहद। एक टीस्पून शहद हम इसमें यूज़ करेंगे, ये बहुत अच्छा होता है। और आप इसको अगर तकरीबन एक महीना यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट एक ही दफ़ा में भी पता चलेगा, लेकिन अगर इसको कंटिन्यूसली आप एक महीना यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये इसमें हमने एक टीस्पून डाली कॉफ़ी, और ये डाला मैंने इसमें नारियल का तेल, ठीक है? ये चला गया। अच्छा, अब हम इसमें ये विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, ये एक विटामिन ई का कैप्सूल है जो वो मैं इसमें ऐड करूँगी, तो इसको हम थोड़ा सा काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, ये इसमें ये चला गया, विटामिन ई का कैप्सूल चला गया। अच्छा, क्या कहते हैं, स्किन पे बहुत ज़्यादा जो है हम लेमन यूज़ नहीं करेंगे, बस ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं, तो तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स यूज़ किए जाएंगे। ये देखिए, बस इनफ है, ये इनफ हो गया, ठीक है? अब हम इसको सबको एक मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और फिर इसमें हम क्या करेंगे, एक चम्मच हम इसमें टमाटर और आलू का, दोनों एक टमाटर लिया मैंने छोटा और एक छोटा ही आलू लेना है, उन दोनों को काटना है और उसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद उसको छान लीजिएगा, चाहे छन्नी में छान लीजिएगा। तीनों चीज़ें चली गई, ठीक है? अब मैंने आपको बताया, अब आप एक ऐसा काम कीजिएगा, एक छोटा सा आप जो है ना टमाटर लीजिएगा, सबसे छोटा टमाटर, और उससे थोड़ा सा बड़ा आलू, दोनों को आलू को और टमाटर को काट के ग्राइंड कर लीजिएगा। ग्राइंड करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कीजिएगा, वो ग्राइंड हो जाएगा। ग्राइंड करने के बाद चाहे छन्नी लीजिएगा, उससे उसको छान लीजिएगा। जब छान लेंगी तो कुछ इस तरह से भी पानी हमारे पास आ जाएगा, तो ये टमाटर का और आलू का पानी है, ठीक है? जब हमने ये पेस्ट बनाया तो थोड़ा सा गाढ़ा था, लेकिन हमें इसमें ये भी डालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 and 2 टीस्पून हमने इसमें ये भी ऐड कर दिया। ये देखें, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि ताकि जो जितनी चीज़ें हैं सब अच्छी तरह से एक पेस्ट बन जाए, ठीक है? ये हमारी एक पेस्ट मास्क हो जाएगा, और इसको बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। ये देखें, कॉफ़ी का बिल्कुल ये चीज़ें, और ये एक टीस्पून जा रही है हल्दी, सबके घर में अवेल होती है, आराम से यूज़ हो जाएगी। चलें, अब इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा, ठीक है? बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज ऐसे ब्यूटी टिप्स में कहाँ से आ गई। बात दरअसल ये है कि मैं हूँ वैसे प्रोफेशनली एक डॉक्टर,
डिग्री है मेरे पास, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ मैं, क्योंकि मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो उनकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए मैंने होम्योपैथिक कॉलेज में एडमिशन लिया और 4 साल का कोर्स कंप्लीट किया। उसी दौरान मेरी शादी हो गई थी, और जो तकरीबन 3rd ईयर में थी मैं जब मेरी शादी हो गई, और फिर 4th जो है मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही कंप्लीट किया। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे शादी होके जब मैं आई तो ज़ाहिर है कुकिंग वगैरह करनी पड़ी, तो फिर वो कुकिंग का मुझे शौक़ हो गया। जो था ना वो ब्यूटीशियन का शौक़ था, तो जब मैंने होम्योपैथिक कर लिया तो फिर मैंने ब्यूटीशियन का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद तकरीबन 5 साल मैंने फिर वहाँ जॉब की एक पार्लर में। फिर उसके बाद तकरीबन मैंने अपना 12 साल अपना पार्लर घर में चलाया, ठीक है। तो इस तरह मैं ब्यूटीशियन भी हो गई डॉक्टर के साथ साथ। फिर शादी हो गई थी तो ज़ाहिर है वहाँ कुकिंग भी करनी पड़ी। जब कुकिंग करी तो सबको मेरी कुकिंग पसंद आने लगी, तो फिर उसके बाद फिर मैंने कुकिंग के भी बहुत सारे कोर्सेज किए। अल्हम्दुलिल्लाह शौहर इतने अच्छे मिले कि वो हर तरह से कोऑपरेट करने वाले थे और सपोर्ट करने वाले थे, तो उनकी उस पर मैं और मेरी वालदा थी वो बच्चों को संभाल लेती थी, तो इन दोनों की वजह से मैंने जो है तकरीबन कोर्सेज वगैरह भी कर लिए, और अपनी जो जो मैं करना चाहती थी ख्वाहिश जो जो ख्वाहिश थी मेरी वो मैंने पूरी करी। मुझे हर तरह का मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही दोस्त कहते हैं, एक दोस्त शौहर से ज़्यादा वो एक दोस्त थे। तो खुशनसीब होते हैं जिन्हें ऐसे शौहर मिलते हैं। बहरहाल जो अल्लाह की मर्ज़ी। तो ये थी हमारी कहानी। तो फिर हमने जो है ना सोचा कि चलो भाई अब थोड़ा सा जो है आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए अपने चैनल पे, ये सारी ब्यूटी टिप्स वगैरह, मेकअप की टिप्स, हेयर स्टाइलिंग, हेयर कटिंग वगैरह, जो भी पार्लर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो वो भी वफ़े वफ़े से आपके साथ शेयर करेंगे। और कुकिंग तो खैर हम करते ही रहते हैं, तो कुकिंग का भी चलता रहेगा हिसाब किताब। तो और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो ब्यूटी के मुतालिक, ब्यूटी टिप्स चाहिए या किसी भी हवाले से आपको मुझसे कुछ पूछना है या कुछ एडवाइस देना है, तो वो आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और चलें हमने जो आज ये शेयर किया इसको तकरीबन आपने आधा घंटे से 1 घंटे तक जो है आपने इसको लगाना है, और फिर जब ये ड्राई हो जाए तो फिर इसको आपने अच्छी तरह मसलने के बाद फिर आपने इसको वॉश करना है, उपटन की तरह जैसे मलसल लेते हैं फिर उसको आप वॉश कीजिएगा। इंशाल्लाह एक ही दफ़ा में फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन यह है कि आप अगर इसे कंटिन्यूस 1 महीने तक यूज़ करेंगी तो बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। तो आप मुझे फिर इसका ज़रूर रिज़ल्ट बताइएगा। और मैंने बताया है कि जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं वो जो हैं वो नारियल का तेल यूज़ ना करें, नॉर्मल और ड्राई स्किन वाले उसको यूज़ करें। अब मैं देखती हूँ थोड़ा सा आपको लगा के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखें इस तरह लगाना है, छोड़ देना है ऐसे लगा के, ये देखें ये लगा के आप इस तरह छोड़ दीजिए। फिर ये जब ड्राई हो जाएगा तो इसको आप उपटन की तरह मसलिएगा और नॉर्मल ठंडे पानी से आप इसे वॉश कर लीजिएगा, तो बड़ा अच्छा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। फिर आप सोचते होंगे कि ब्लॉक देर हो जाती है, वो उसकी वजह ये होती है कि दरअसल मेरे बच्चे पढ़ें तो वो बिज़ी होते हैं, बाज़ दफ़ा होमवर्क होता है, बाज़ दफ़ा असाइनमेंट्स होते हैं, क्विज़ होते हैं, तो इन चक्कर की वजह से ना तो मैं फिर शूट कर नहीं पाती। बाज़ दफ़ा मैं बिज़ी होती हूँ, कुछ ना कुछ मेरा चल रहा होता है, तो मैं भी इस तरह से आपको प्रॉपर जो है ब्लॉग नहीं आ रहे होते, थोड़ा लेट हो जाते हैं, उसके लिए माजरत चाहती हूँ और कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द इस चीज़ को ख़त्म करूँ और हफ्ते में 1 या 2 तो लाजमी ब्लॉग डाल दूँ। तो इंशाल्लाह चलें आपको पसंद आए तो मुझे प्लीज़ अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।